हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण जय राधा अब आगे हम लेते हैं जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव I'm not
और ये बीमारी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ता है। अब देखना कोई एक गांव में कोई एक तिलकधारी कंठीधारी चोटीधारी बन जाए ना, बाल झट जल्दी बड़ी जल्दी ग्रुप बन जाती है, बड़ी जल्दी उनकी ग्रुप बन जाती है। ये बीमारी जैसे कोरोना बढ़ रही ना, ऐसे ही ये बीमारी बड़ी जल्दी जल्दी बीमारी फैलता है, इसलिए पहले से इसको रोक टोक लगाओ। तब राजा ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोले क्यों हरिदास, हम हिंदुओं का नाम सुनने पर हम भात नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, छाया स्पर्श करने पर गंगा में नहाते, हम लोग जाकर के नहाते हैं, और इतना भाग्य से तुमने मुसलमान घर में जन्म हुए हो, अरे ये हिंदुओं का हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करते हो? तो हरिदास ठाकुर जी बड़े सुंदर उन्होंने आंसर दिया है, बोले प्रभु, बोले नाम भेद करी हिंदू ए जवने, परमार्थ एक कहे कुराने पुराने। इसलिए हिंदू उनको हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, राम कृष्ण राधे बोलते हैं, और हम लोग पुराण में उनको अल्लाह कहते हैं। केवल नाम मात्र भेद है, अल्लाह मतलब होता है जो बड़ा है, हैं? जो बड़ा है। और इसलिए लेकिन ईश्वर एक ही ईश्वर, ईश्वर बहु नहीं, लेकिन भगवान जिसको हृदय से जिसको जैसे प्रेरणा देते हैं वो ठीक वैसे ही नाम जप करता है। इसलिए क्योंकि जो ईश्वर है, हैं? ईश्वर हृदय में, सभी का हृदय में ईश्वर का निवास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं सभी का हृदय में मैं निवास करता हूँ। इसलिए अगर हमने किसी व्यक्ति को हिंसा करते हैं, लेकिन तत्वतः सभी का हृदय में भगवान का निवास, जब हम किसी को हिंसा करते हैं फिर हिंसा किसको होता है? भगवान को होता है। इसलिए बताए जीवेर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, हर जीवों को सम्मान देनी चाहिए, क्योंकि सभी का हृदय में जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को हिंसा करते हैं कि तत्वतः विचार करते हो, हम वो व्यक्ति को नहीं, हम किसको हिंसा करते हैं? भगवान को हिंसा करते हैं। इसलिए क्योंकि सभी का हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। इसलिए श्री नारद जी श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, कभी कभी दिखाई पड़ता है, कभी कभी किसी ब्राह्मण भी मुसलमान, कोई मुसलमान भी ब्राह्मण बन जाता है, जिसका हृदय में जैसे लेता है वो वैसे कर लेता है। इसलिए अब चिंता क्यों करते हो? लेकिन इतने में हैं कहते इतने में जो काजी था उसने राजा को बोले, महाराज इसको ठीक ठीक से विचार करो, नहीं तो ये धर्म धीरे धीरे फैलते जाएगा। और हरिदास ठाकुर जगत में एक व्यक्ति गण्यमान व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, छोटे व्यक्ति इसको देख देख कर सीख जाते हैं। इसलिए कुछ को विचार करो। इतने में राजा तो पहले सुनकर बड़े खुश हो गया था हरिदास ठाकुर का विचार, लेकिन काजी बोलने पर भले ये हरिनाम को छोड़ो और कलमा अपना कलमा उच्चारण करो। लेकिन जब उसको बोले तो हरिदास ठाकुर ने कहा, महाराज जी खंड खंड हरि यदि जाए देह प्राण, तब वो हमें ना छाड़ी व बदने हरिनाम। अगर मेरे शरीर को आप बोटी बोटी करके काट डालोगे तब भी मैं ये हरिनाम छोड़ नहीं सकता हूँ। जब उन्हें ऐसे बोले तो प्रभुपाद यहाँ पर विचार देते हैं कि देखो जो भक्ति है ना, हमारी भक्ति ऐसे भक्ति हमारी होनी चाहिए। भक्ति हमारी इसलिए श्रद्धा, एक तो होता है लौकिक श्रद्धा और एक होता है परमार्थ श्रद्धा, है एक लौकिक श्रद्धा और एक है परमार्थिक श्रद्धा। इसलिए जो लौकिक जो श्रद्धा है ना, थोड़ी सी अगर इधर उधर हो फिर तो हम भजन भजन को हम छोड़ छाड़ देते हैं, लेकिन जब परमार्थ की श्रद्धा हो जाए ना, भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति आ जाए, भले ही ये दुनिया छूट जाए, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छूटती है। इसलिए बोले तीन तरह का भक्त है, कितने तरह के? एक कनिष्ठ और एक मध्यम और एक उत्तम। कहते ये कनिष्ठ भक्त कौन है? बोले कनिष्ठ भक्त वो है
भक्ति तो करते हैं लेकिन जिसका भक्ति बड़े डमांड होता है, है? कखन भोगेर कखन त्यागेर छलनाए मन नाचे, कभी भोग का तरफ में कभी त्याग तरफ में, है? कभी त्याग का तरफ में कभी भोग का तरफ में ये मन जाता है। इसलिए कभी ये छलना में माया उसको नचाती रहती है, कभी ये कनिष्ठ भक्त है, कभी ये मध्यम भक्त कौन है, कभी मध्यम भक्त हुए है, अपना भजन साधन को ठीक ठीक से कर लेते हैं। दूसरों को तो ठीक से समझा नहीं पाते हैं, लेकिन अपना जो साधन भजन है ना उसको जो एकदम ठीक ठीक से नियमित पूर्वक अपना हरिनाम कीर्तन पूजा पाठ सेवा अपना पूजा पाठ को ठीक से भक्ति को एकदम पक्के रखते हैं, कभी ये मध्यम भक्त कहते तो उत्तम भक्त कौन है, कहते अपना भक्ति तो ठीक से करते हैं ये, लेकिन शास्त्र के विचार को द्वारा दूसरों को भी भगवान के भजन में जो लगा देते हैं, अपना भक्ति दृढ़ और दूसरों को भक्ति में भी दूसरों को भी भगवत भक्ति में वो लगा देते हैं, कहते हैं उत्तम भक्त है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी उत्तम भक्त है, हरिदास ठाकुर जी उत्तम भक्त है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कर देखो, कहते ये जो भगवान का जो नाम है कर जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कभी जो वो क्या कह रहे हैं, भले ही ये शरीर को बोटी बोटी कर काट डालो लेकिन हम भगवान के भजन नहीं छोड़ेंगे। भैया ये शरीर तो एक दिन जाना ही है, शरीर तो अनित्य नश्वर है, है? अगर इस शरीर का वजह से अगर हम अपना भजन साधन को छोड़ दे फिर तो क्या उसमें क्या रह गया, शरीर को ही हम श्रेष्ठ मान लिया, है? शरीर को ही श्रेष्ठ मान लिया, भजन को श्रेष्ठ नहीं माना, शरीर तो अनित्य नश्वर शरीर एक दिन तो नष्ट होगा ही शरीर है। जैसे श्री श्रीवास पंडित इनके घर में अपना बेटा शरीर छोड़ दिया, बेटा के घर में शरीर छोड़ दिया लेकिन महाप्रभु का भजन उन्होंने नहीं छोड़े, घर में सबके सब रो रहे हैं क्योंकि एक लौता बेटा शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब ये श्रीवास पंडित को पता चला ना, पहले जितने उत्साह से वो कीर्तन कर रहे थे फिर आकर उसके दो गुना छलांग छलांग ला करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, हैं? इतने में महाप्रभु ने पूछा, महाप्रभु तो सर्वअंतर्यामी, बोले आज मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा है, क्या श्रीवास घर में कुछ अनहोनी हो गई, इतना बोलते ही तो श्रीवास पंडित छलांग लगा दी। बोले प्रभु आप जहाँ साक्षात हैं वैकुंठ नाथ हो, गोलोक वृंदावन के नाथ जिस घर में हो वो घर में कभी अमंगल हो सकते हैं कभी, लेकिन अगर हम लोग होते तो साधारण लोग क्या होता, बोले भगवान रहते रहते हैं घर में, भगवान आए हैं और घर में गुरु वैष्णव आए, हमारे घर में अमंगल हुआ हम क्या करते, बोले जरूरत नहीं भजन भजन की, है भजन भजन भक्ति भक्ति की जरूरत नहीं। इसलिए वो कथा सुना रहे थे, एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति कोई एक सहजिया जिसका गुरु सहजिया जैसे था, लेकिन ये गौड़ीय वैष्णव में घर में महाप्रभु का नित्यानंद महाप्रभु के घर में पूजा सेवा होती थी, बड़े पैसा वाला आदमी था, बड़े ठाकुर का सेवा पूजा करते थे, पैसा वाला आदमी था, उसके घर में गौर नित्यानंद प्रभु की उपासना होती थी। इतने में उसकी एक बेटी थी, वो बेटी पड़ गई बीमारी, जब बेटी बीमारी में पड़ गई तो उन्होंने बोले बेटी बीमारी में पड़ गई, बड़ी कठिन बीमारी में पड़ गई, और भगवान को तो बहुत मानते हैं, ठाकुर जी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने बहुत साधु संतों की बहुत सेवा करते थे, उन्होंने क्या किया बेटी की उपलक्ष्य में रोज रोज घर में है छप्पन भोग 36 व्यंजन, घर में साधु संतों को बुला कर कीर्तन हरिनाम, बेटी की तबीयत खराब हुई बेटी की तबीयत सही हो जाए, बेटी का तबीयत इसी उपलक्ष्य में खूब कीर्तन किया, लेकिन करते 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 लास्ट में बेटी जिंदा नहीं रही, बेटी ने शरीर छोड़ दिया। जब बेटी ने शरीर छोड़ दिया ना उस व्यक्ति का इतना क्रोध आया, बोले महाप्रभु आपको इतना मैंने पूजा सेवा की, इतना भक्ति की, इतने साधु संतों को बुलाया, घर में कीर्तन रोज रोज छापान भोग 36 भजन रोज घर में भंडारा किया, और अब मेरी बेटी को क्या नहीं करो, ठाकुर को उठाया उठाया बाहर बाहर लेकर के फेंक दिया। तब प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, हैं? प्रभुपाद लिखते हैं
भगवान हमारी नौकर नहीं है, भगवान हमारी नौकर भगवान नहीं, हम जो बोलेंगे भगवान को ही करना पड़ेगा है। इसलिए भगवान हमारी नौकर नहीं, ये हमारा मुनि भी नहीं, हम जो बोले वही काम करे भगवान। भगवान हमारे आराध्य देव है, भगवान हमारी इष्ट है। इसलिए प्रभु, इसलिए है, इसलिए यहाँ पर श्री श्रीवास पंडित है, श्रीवास पंडित घर में सबसे प्यारा बेटा है, सबसे प्यारा बेटा, लेकिन बेटा महाप्रभु साक्षात रहते हुए बेटा शरीर छोड़ देना कोई साधारण बात है? साक्षात जहाँ पर गौर हरि कोई साधारण बात है? साधारण बात नहीं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भैया ये शरीर तो एक दिन छूटना ही है, शरीर तो एक दिन जाएगा है कि शरीर रहेगा, शरीर नश्वर है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते नाम ही जीवन में, भगवान का भक्ति ही, नाम ही है। इसलिए यही जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए है। इसलिए जीवन में जितना कष्ट क्यों नहीं हो, अम्लान बदन में सज्ज करिवे, प्रभुपाद कहते जीवन में जो कुछ आए। इसलिए प्रभुपाद का जो अंतिम उपदेश है, लास्ट उपदेश है, प्रभुपाद लास्ट में क्या बोल कर गए, सत लाछना सत गंजना सत अपमान सुन कर के भी हरिभजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है। लेकिन क्या होता है जान, संसार में सबका डंडा हमारा पर पड़ता है, बीवी भी गाली देता है, बच्चे भी गाली देते हैं, बहू भी गाली देता है, नाती पति भी गाली देते हैं। दुनिया में ऐसे बताओ, हम दुनिया में सबके क्या करते हैं, कैसे सबको खुश करें, बीवी बच्चे परिवार को कैसे खुश करें, इसी के लिए दिन तक भर हम करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई किसको पर खुश होता है, किसको पूछ लो, आपके लिए जिंदगी भर आपने किया है, खुश हो हमारे बारे में? पीछे चुगली करते होंगे सबके सब, देखेंगे पीछे सब उसको चुगली करता है, बुढ़ा कब मरेगा, अभी मर नहीं रहा है, घर में बैठे बैठ कर दिन भर बोलता रहता है, इसलिए घर में गाली देते हैं। और बुढ़ा का बुढ़ा बुढ़ी की ये कब मरे, जल्दी से जल्दी ये कब मरे और सारे संपत्ति हमें मिले। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तत्व अनुकंपा सुसुमिक समान भुजा में एवात्म कृतम विपाकम। इसलिए जीवन में जो कुछ आए अपना कर्म का फल मान करके उसको भोग करते रहो। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, कद स्रौत पथ जे नाम ग्रहण अन्न कृत नहीं देह मन शरीर दो शरीर अमित पृथक जय स्वामी अनित्य वस्तु। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये शरीर मन ये अनित्य वस्तु है, जो नित्य वस्तु ये आत्मा है, और आत्मा का जो नित्य जो कर्तव्य है जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए प्रभुपाद कहे भैया जैसे हरिदास ठाकुर कहते भले ही शरीर को कोई बोटी बोटी करे काट डाले, भले ही दुनिया छूट जाए, लेकिन भगवान की भजन नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हरिदास ठाकुर को इसे बात बोले ना, इतने में देखा ये तो बदलने वाले नहीं है, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, सुधरने वाले नहीं, बोले काम करो इसको ले जाओ। 5-6 सिपाही को बोल दिए, उस समय 22 मार्केट था, ये मार्केट में सबको दिखा दिखा करके सबको सामने ऐसे इसको पिटाई करो, हाँ कोड़े से इसे मारो है, जैसे सारा दुनिया देख करके पता चले जो मुसलमान होकर के ये हिंदू धर्म को हिंदू बाणी करता है उसको क्या सजा मिलता है, क्या सजा उसको मिलता है, दुनिया इसको देखे। बस जब इतना बोले, इतने में 5-6 सिपाही हैं एकदम ऐसे मारना शुरू किया, ऐसे कोड़े मार रहे थे शरीर से जैसे चमड़ा उठ जाएंगी हैं। इतने में जब मार रहे थे ना, वैकुंठ से भगवान स्वयं उतर करके आ गए। बोले क्यों? बोले जदा देवेशु वेदेशु गोसु मई विद्वेश सदा आसु विनश्यति। हाँ भगवान कहते हैं जब किसी वेद को पर अत्याचार हो, किसी साधु को पर अत्याचार हो, भगवान को पर अत्याचार हो, गो मतलब गैया को पर अत्याचार हो ना, भगवान कहते तथा आसु विनश्यति। भगवान कहते हैं मैं समूल में दुनिया को ध्वंस कर देता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए ही दुनिया बनाया। ये दुनिया किसके लिए? गधेश्वर है,
हाँ कुत्ते जैसे खा पी कर मर जाते, इसलिए मैं थोड़ी दुनिया बनाया। दुनिया तो मैं अपना भक्तों के लिए दुनिया बनाया है, हैं? मेरे भजन करे भक्ति करे, इसलिए मेरे दुनिया कि करुणा क्यों आया है। करुणा किसी लिए? सब मांस मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, हाँ जुआ खेलते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, इसलिए इसलिए तो सब करुणा फरुणा आया ना, हैं? ये पाप कर्म हो रहा है, हैं? बिना अस्त्र के ये करुणा है, इसलिए इसलिए करो ना, मतलब मत करो क्या गंदी काम को, नहीं करनी चाहिए, करो ना, हाँ मत करो क्या, मत करो दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये चार जो अधर्म काम को मत करो, भगवान यही शिक्षा देते हैं, हैं? चार जो अधर्म है, जुआ मत खेलो, कोई नस्ली वस्तु को ग्रहण मत करो, अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, और जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए करो ना, मत करो। ये चार चीज को नहीं करोगे ना, बस दुनिया अपने आप, और ये चार चीज को छोड़कर क्या करो, भगवान की भजन करो, फिर भजन करेंगे तो क्या होगा, बस दुनिया दुनिया थोड़ी रहेगा। बोले यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, जहां पर भगवान की भजन कीर्तन भगवान की भक्ति हो ना, वो दुनिया दुनिया नहीं, वो दुनिया भगवान का धाम बन जाते हैं। और भगवान खुद कहते हैं, बोले कौन ते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणशति, भगवान स्वयं कहते, बोले अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। बोले प्रभु मैं क्यों प्रतिज्ञा करूं, भक्त तुम्हारा तुम करो ना, तुम्हारी भक्तों का विनाश नहीं तुम करो, मेरे द्वारा क्यों करवाते हो। बोले मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा किया है, हैं? मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा किया हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्तों को प्रतिज्ञा करता है ना, मैं फिर अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके भक्त प्रतिज्ञा को रक्षा करना पड़ता। अगर मेरे कोई भक्त अगर प्रतिज्ञा करता है, भैया जी जान चली जाए, लेकिन उसका प्रतिज्ञा को मैं कभी तोड़ता नहीं। चले तुम प्रतिज्ञा करो जो मेरे भक्त उसका कभी विनाश नहीं है। अगर भगवान की भक्ति करे भजन करे ना, फिर तो भगवान करुणा को अपने आप भगा देंगे। और इसीलिए अभी ये दुनिया टिका हुआ है, किस लिए टिका हुआ है, भगवान दुनिया को क्यों रखे, अभी हर देश में अभी एटम बम बना कर रखे, अभी एक दूसरे को धमकी दे रहे, एटम बम फेंक देंगे, एटम बम फेंक देंगे, मार देंगे, लेकिन जो बना हुआ ना एक दिन गिरेगा, ऐसे थोड़ी बना कर रखे, पूजा करने के लिए थोड़ी रखे, वो फेंकने के लिए तो रखे ना, गिराने के लिए रखे ना, लेकिन अभी गिर क्यों नहीं रहा है, कहते इसलिए नहीं गिर रहे हैं, कुछ तिलक कंठीधारी अभी है, अभी कुछ तिलक धारी कंठीधारी भजन करने वाले, भगवान को भजन अभी कुछ करने वाले अभी है कुछ लोग, इसलिए भगवान जानते हैं अगर ये एटम बम गिरेगा मेरे भक्त भी मर जाएंगे, हैं? भक्त भी मर जाएंगे, फिर मैंने जो प्रतिज्ञा की है प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा ना, फिर भक्तों का विनाश नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी अभी कुछ नहीं करवा रहे। अगर सारा दुनिया अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए, गंदी चीज को करो ना, गंदी चीज को छोड़े और भगवान की भक्ति करे, बस अपने आप दुनिया भगवान का धाम बन जाएगा, भगवान का धाम बन जाएगा, हैं? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, हैं? हाँ, जिस समय उन्होंने हरिदास ठाकुर को प्रहार कर रहे थे, भगवान स्वयं वैकुंठ से सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए। बोले क्या मेरे भक्तों को पर अत्याचार है, सबे आसु विनश्यति, दुनिया को मैं ध्वंस कर डालूंगा, क्योंकि भक्तों का हृदय में मैं निवास करता हूँ, भक्तों के ऊपर में विद्वेष मतलब होता है मेरे ऊपर में विद्वेष है, भक्तों को मारना मतलब होता है मेरे को मारना है, भक्तों को मारना मतलब होता है मेरे ऊपर में प्रहार करना, भगवान चक्र लेकर के आ गए। लेकिन जब चक्र लेकर के आ गए ना, लेकिन हरिदास ठाकुर जी तो शुद्ध भक्त है, हाँ ब्रह्मा और श्री प्रहलाद का दोनों मिल करके कहते हैं प्रहलाद मैंने हैं, पितामह ब्रह्मा हमारे आदि गुरु और भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज है। इतने बचपन अवस्था में उन्होंने 5 साल उम्र में इतने बाधाएं आने पर भी भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान को खंभे से प्रकट कर दिए, इसलिए ये दोनों मिल करके श्री हरिदास ठाकुर है, इसलिए परम भक्त है, इसलिए भक्त होने का नाते हृदय में क्या भावना है, इसलिए ये त्रिनाद भी सुनिचे न चरण भी सही सुनुना,
अमानी नांग मान देना कीर्तनिया सदार। ये जो श्लोक महाप्रभु बोले चार गुणे गुणी हया करह कीर्तन, अगर भक्ति करना तो चार गुण में गुण होनी चाहिए हैं। इसलिए इसलिए कहते हैं ना वैष्णव है ते मन ने बड़ा छल स्वाद, लेकिन त्रिनाथ वैष्णव जी सोचे पड़ी गल बात, मतलब पहले सोच रहे थे हम साधु बनेंगे, क्या बनेंगे साधु बनेंगे, लेकिन जब महाप्रभु का ये श्लोक सुने ना बोले हे क्या साधु बनने के लिए घास से भी ज्यादा दिन ही होना पड़ेगा, जैसे घास को पैर रख लो सर तक नीचा हो जाता है फिर ऊपर उठा देता है, बोले उससे भी नीचा बनो उससे भी, बोले बाबा। और पेड़ से भी सहिष्णु, कोई जा रहा है पत्थर फेंका तो मारा तो पेड़ में लेकिन उसने फल दे दिया, जा रहे हैं धूप है पेड़ को नीचे बैठना है कि टहनिया तोड़ करके उसको ही नीचे बिछा करके बैठ गए, पेड़ घुसा नहीं किया, मेरा तुमने टहनिया तोड़ दिया तेरे को छाया क्यों दूंगा, लेकिन हमें सुशी तले छाया दो, हर समय दूसरों को सम्मान दो और स्वयं कभी सम्मान की इच्छा मत करो। बोले भैया हम इतना दिन नहीं बन सकते साधु होने के लिए, इतना दिन नहीं बनना पड़ेगा। कहते अगर ये श्लोक का कोई आदर्श है वो तो कौन है, श्री हरिदास ठाकुर जी। इसका आदर्श कौन है, श्री हरिदास ठाकुर जी, प्लस हरिदास ठाकुर की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उनको पर तो पिटाई हो रही थी, उनको पर में भगवान तो चक्र लेकर के आ गए, लेकिन हरिदास क्या कर रहे थे, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु ये मूर्ख है ये अज्ञा है ये कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हे प्रभु आप इनको अपराध को माफ कर दो, आप इनको अपराध को माफ कर दो। भगवान चक्र लेकर के आ गए और हरिदास ठाकुर इनको उल्टा इनकी कल्याण सोच रहे हैं, इसलिए भगवान के भक्तों का भाग्य को तो कभी उल्लंघन कर ही नहीं सकते। भगवान बोले जब ये इनका कल्याण सोच रहा है फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए भगवान ने क्या किया हरिदास ठाकुर को पीठ के ऊपर पीठ लगा दी। इसलिए जितने पिटाई हुई ना किसको ऊपर हुई, भगवान के ऊपर में, सारे हैं जो कोड़े मार रहे थे सबके सब ठाकुर जी ग्रहण कर लिया, क्योंकि भगवान भक्तों को अपना गोद में आलिंगन करके गोद में बैठाते, उनका आलिंगन कर लिया, सब कुछ प्रहार इनको ऊपर में हुई। लेकिन जिस समय उनको प्रहार कर रहे थे ऐसे नृशंस रूप में बुरी तरह से उनको पिटाई कर रहे थे, इतने बुरी तरह से जितने सज्जन लोग थे ना वो देख देख करके बोले हे भगवान, जब किसी कहते दुनिया की ध्वंस कब होता है, सज्जन लोग कब दुनिया की ध्वंस होता है, जब किसी संतों के ऊपर में अत्याचार होने लग जाए ना, भगवान ये चीज कभी सहन नहीं करते हैं गोपर में संतों के ऊपर में। इसलिए जो भक्ति करने वाले लोग सोच रहे थे ये भगवान संतों के ऊपर अत्याचार लगता है पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाए, पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाए, भगवान दुनिया को ध्वंस कर देते हैं। इसलिए कुछ कुछ तो लोग जाकर पाप पड़ जाते थे, बोले भैया कुछ तुमको पैसा दूंगा इतने मत मारा करो, हम तुम्हें कुछ पैसा दूंगा इतने इतने मत मारा करो, थोड़ी सी कम इसको थोड़ी सी कम कुछ मारो। इसलिए कोई कहते थे भैया तुमको अभिशाप दे देंगे इतना अगर मारोगे तुमको अभिशाप दे देंगे, लेकिन वो थोड़ी सुनने वाले थे, उसको मारते 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 जा रहे थे। इतने में यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले असुर प्रहार जेन प्रह्लाद विग्रहे कौन दुख ना जानी लो सर्व शास्त्र कहे। जैसे प्रह्लाद गोबर में कितने अत्याचार हुई, लेकिन प्रह्लाद महाराज आनंद से हैं भगवान की भजन करते थे भक्ति करते थे, लेकिन उनको ऊपर में कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, भगवान उसको आलिंगन करके अपना गोद में बैठा रखे थे। गोविंद इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद कुछ टीका लिखते हैं, हैं? कुछ टीका लिखते हैं, तारा भगवत सेवा निजुक्त था के दर्शन को अनुकर्षण हो गए ना त्रिनाथ, सत्य कथा बोलते अत्याचार हो हरि कीर्तन मुख बंद करते चेष्टा करे। हाँ इसलिए कहते हैं आप भगवान के भजन करने के लिए जाओ भक्ति करने के लिए जाओ, देखो दुनिया में जगह माधा है, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जगह माधा क्या किया,
बधाई ने किया क्या, सर फोड़ दिया, उनका सर फोड़ दिया। और श्री कुरेश जी की, जब कुरेश राम, श्री रामानुज आचार्य का है, रामानुज आचार्य का रूप लेकर गए है कुरेश ने, क्या किया उनको, जिंदा जिंदा आग निकाल दिया, जिंदा जिंदा आग निकाल दिया उनको है। इसलिए जिस समय श्री है का, जिस समय श्री प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, जो पुणमा तला प्रौढ़माया तला क्या हुआ, उस समय ने जो स्पार्थ जात गोसाई लोग थे है, उन लोगों ने क्या क्या, उन लोगों ने प्रभुपाद को मारने के लिए ईट पत्थर सोढ़ा की बोतल सब प्रभुपाद गुबर में मारना उन्होंने शुरू किया। यहाँ पर कह रहे हैं, जब आप लोग हरि कीर्तन करने के लिए जाओ ना है, हरि कीर्तन करने के लिए जाओ, उसी समय में जगत में भी ऐसे बड़े अत्याचार होता है। लेकिन जो भक्त लोग है ना, थोड़ी सी इनके अत्याचार हो गया भी और प्रचार नहीं करें, प्रचार करने के लिए जाओ तो बड़ा कष्ट सहना करना पड़ता है, है? कष्ट, हरिदास ठाकुर को तो 22 बाजार में है, 22 बाजार में पिटाई किया। इसलिए इसको सुन करके कहते, भक्तों को पीछे नहीं मुड़नी चाहिए है, पीछे नहीं मुड़नी चाहिए। कंटिन्यू जैसे प्रभुपाद को अत्याचार हुई, लेकिन उन्होंने क्या सब छोड़ दिए, छोड़े नहीं। एक समय प्रभुपाद के कुछ भक्त लोग प्रचार करने के लिए गए थे, जब प्रचार करने के लिए गए थे उस समय तो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, और उस समय ब्राह्मणों के साथ में वैष्णवों का अक्सर करके झगड़ा होता था, क्योंकि ब्राह्मण लोग वो तो 3 वर्ण जिनकी पूजा करता है, लेकिन वैष्णव धर्म में धीरे धीरे जो प्रचार होता है, सब लोग वैष्णवों को पूजा करना शुरू कर देते हैं, हाँ वैष्णवों को आदर यत्न दिलाते हैं, और इसको देख करके ब्राह्मण लोगों को अंदर आग लग जाती है, अरे ये सब सबके सब हमारे पेट में लात मार रहे हैं, सबके सब हैं पेट में लात मारते हैं सबके सब। इसलिए और वैष्णव लोग क्या चाहते हैं, और प्रतिष्ठा करते हैं, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव अक्सर करके प्रभुपाद का समय पर बहुत जगह पर इसे लड़ाई हुआ। कभी कभी लड़ाई झगड़ा में है, लड़ाई झगड़ा में जैसे मेरे गुरुदेव भी उस समय भी प्रचार करने के लिए, मेरे गुरुदेव जब पूर्व काल में गए थे, उस समय जब खड़े किए नेमी महाराज ने, सिद्ध स्वरूप बोलो महाप्रभु का धर्म को विषय पर बोलो, अरे गुरु जी ऐसे बोले हैं, ऐसे गुरु जी बोले ना जैसे आंधी तूफान आ गया पूरा के पूरा है। बोले विवेकानंद नहीं और बेगुबानंद है, राम कृष्ण नहीं राम छागल बकरी है, हैं। इसलिए ऐसे ऐसे गुरुदेव ने बोले ना, भिक्षा क्या देंगे, ईट पत्थर सबके सब फेंगे, ईट पत्थर सबके सब फेंगे है। इसलिए और सबके सब स्टेज छोड़कर भाग गए। नेमी महाराज ने प्रभुपाद के पास में लेटर भेजा, बोले प्रभुपाद ये सिद्ध स्वरूप को मैंने खड़े किया, महाप्रभु का धर्म के बारे में बताओ, उसने ऐसे ऐसे बोली बोला है ना, लोग भिक्षा क्या देंगे, न्यूज पेपर में आ गया, गौड़ी मठ लोग वाले ऐसे ऐसे बात बोले है। उस समय रामकृष्ण को भगवान मानते थे और विवेकानंद तो बहुत बड़े साधु मानते थे, लेकिन गुरुदेव ने सब चुप चुप खंडन किया था इनका मतवाद को है। बोले कोई भिक्षा नहीं दे रहे, हमारा प्रचार चौपट हो गया। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, बोले सिद्ध स्वरूप ने 1 लाख रुपया की प्रचार कर दिया। उस समय 1 लाख रुपया साधारण बात नहीं था, बहुत था, अरब खरब रुपया उस समय 1 लाख रुपया। बोले सिद्ध स्वरूप ने 1 लाख रुपया प्रचार कर दिए, बोले तुम लोग जो हरिकथा बोलते हो ना, मेरी कथा को तो 25% और तुम्हारी कथा को 75% तुम लोग बोलते हो, इसलिए तुम लोगों को भिक्षा मिलता है। अगर मेरी बात को तुम बोलोगे ना, सिद्ध स्वरूप ने मेरे से जो जो सीखा है पूरा के पूरा मेरी बात को उसने बोला है, इसलिए भिक्षा नहीं मिलकर ईट पत्थर मिला है, भिक्षा नहीं मिलकर ईट पत्थर जूता मिला है, क्योंकि वो मेरे बात को 100% बोलता है मेरी बात को। इसलिए कोई चिंता मत करो है, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, इसलिए कोई चिंता मत करो, 2 बार फिर सबको बुलाओ। अरे 2 बार सबको बुलाया, 2 बार बुला करके फिर प्रभुपाद ने मेरे गुरुदेव को बोले, सिद्ध स्वरूप तुमने इस बात क्यों बताया, बोलो इनको खड़े होकर। पहले मेरे गुरुदेव जो कॉलेज में थे, जो लीडर थे कॉलेज का, उस समय तो विवेकानंद को बहुत बड़े साधु मानते थे। उस समय मेरे गुरुदेव वहाँ का पार्टी था जिसमें लीडर हमारे गुरुदेव थे, हैं लीडर थे।
इसलिए उनकी सारे फिलोसफी रामकृष्ण का, विवेकानंद का सारे फिलोसफी उनको पता था। फिर तो उन्होंने सभी को सामने उन्होंने खंडन किया, बोले आप लोगों ने सबके सब गीता पढ़े होंगे, गीता पढ़े हो? बोले हाँ गीता पढ़े हो। बोले श्री रामकृष्ण का मत क्या है? जतो मत ततो पथ, जतो मत जितना मत उतना पथ है। बोले गीता में भगवान ये बात बताए? नहीं बताए। हमारे भागवत पुराण में ये सब बात है? तो उन्होंने फिर उन्होंने गीता को उन्होंने उठाया, फिर वेद को, पुराण को। इसलिए बोले वेदा विभिन्ना स्मृतय विभिन्ना नासव मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम धर्म सतत्व नीत गुहायाम महाजन जैन गत सपथा। पंथ एक ही है, धर्म एक, भगवान एक, उनको पाने का रास्ता केवल एक है। बोले महाजन जैन गत सपथा, पंथ केवल एक है, महाजन ने जिस रास्ता पर गए हैं, और उनका जो फिलोसफी है, जो जो कुछ क्यों नहीं कर, सबके सब एक जगह पर जाए, जो जो कुछ कर सबके सब पहुंचे कहां पर, इधर सब एक जगह पर पहुंच गए। अब लोगों ने गीता पढ़े, गीता में ये बात बताया, जाति देवाव्रता देवान, पितृन जाति पितृव्रता, भूतान जाति भूत जाति, माम जना जाजना भी माम। भगवान खुद स्पष्ट रूप में कहते हैं, हाँ जाति देवाव्रता देवान, जो देवा देवियों को उपासना कर देव लोग जाते हैं, जो भूत पिशाच को पूजा कर तो भूत लोग में जाते हैं, हैं? इसलिए जो मेरे पूजा करते हैं वो मेरे लोक में जाते हैं। इसलिए कहते कहां पर बताया, आप लोगों गीता तो पढ़ते, उस समय तो पढ़ते थे गीता, बोले भगवान गीता में ही बताया है, गीता में ये गीता का वाणी, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं, गीता ये बात को गीता बोलता है। और क्या कहते हैं, बोले सब समान, सब बराबर है, सब एक ही बराबर है। क्या उदाहरण देते हैं, जब प्लेन में ऊपर चली जाओ ना, प्लेन में बैठी करके ऊपर देखोगे ना, सब बराबर लगता है। हाँ, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समन्वय, सब बराबर दिखता है। बोले सब बराबर नहीं दिखता है, तुम्हारी दृष्टि शक्ति की अभाव से सब बराबर दिखता है, हैं? ऊपर जब चले जाते हैं हमारी दृष्टि शक्ति सबको ठीक ठीक से, सब पेड़ पौधा नदी सब एक नहीं हो जाता है, वो जो जहां पर वहीं पर रहता है, लेकिन दृष्टि शक्ति की अभाव से ये सब चीजें हमें दिखता है। विवेकानंद ने क्या बताए, बोले ये सब गीता पढ़ कर क्या होगा, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने से शरीर से तंदुरुस्ती आएगा, हैं? और तुम लोग की क्या करते हो, गीता क्यों पढ़ते हो? बोले ये हमारे धर्म है, हम सनातन धर्मी हैं, हमारे मूल जो धर्म गीता, हमारे हिंदुओं का मूल गीता हमारी है। कहते गीता नहीं पढ़कर फुटबॉल खेलो, कहा भगवान गीता सुगीता कर्तव्य कि मन नहीं शास्त्र विस्तर ही जा स्वयं पद्मनाभ सुख पद्म विनिर्सित, जो भगवान के मुंह से जो वाणी निकली गीता है, गीता है, हम नहीं पढ़ेंगे। बोले फुटबॉल खेलो, बोले तुलसी में पौधा में पानी क्यों देते हो, क्या होगा, पानी देना तो बैंगन का पेड़ में पानी दो ना, वो फल देगा, तुलसी में पानी देने से क्या होगा। ये हिंदू धर्म का मूल ये तुलसी है, हैं? इसलिए वृंदा ही तुलसी देवी प्रिया ही केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत ही, ये भगवान की भक्ति है, प्रेम देने वाले ठाकुर के चरण में। कहते तुलसी में क्यों पानी देते हो, क्या पानी दो बैंगन का पेड़ में, ये हमारे धर्म है कोई? तो उन्होंने सारे फिलोसफी जानते थे। फिर जब एक एक करके गुरुदेव ने बताया ना, सभी की आंख खुल गई, और गौड़िया मठ का इतने जय जयकार हो गया, वहां पर इतने जय जयकार, जो जितना भिक्षा देना चाह रहे थे ना, सबके सब ज्यादा ज्यादा भिक्षा, प्रभुपाद को ज्यादा ज्यादा भिक्षा दिए, फिर तो वहां पर जय जयकार हो गए। बोले श्री प्रभुपाद की, बोले श्री गुरुदेव की, जोर से बोला। इसलिए हाँ, इधर यहाँ पर प्रभुपाद, ये प्रभुपाद ये टीका में कह रहे हैं, प्रभुपाद ये टीका में कह रहे हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया हैं, हरिदास ठाकुर जैसे कह रहे हैं, भगवान को पर में अगर प्रचार करने के लिए कहीं जाओ, अगर थोड़ी सी कोई आपत्ति विपत्ति आ गए, मैदान छोड़कर भाग गए, बोले भैया और नहीं जाएंगे प्रचार के लिए, और नहीं जाएंगे, हैं? बाबा रे, ये तो बड़ा कष्ट है, लोग तो मारने के लिए तैयार हो जाते। बोले नहीं, पहले पहले जिन लोगों ने प्रचार किया है, किसके आंख निकाल दिए, सख्यात नित्यानंद प्रभु का
शरीर फोड़ दिए हैं, शरीर फोड़ दिए इनकी, फिर क्या करनी चाहिए? भगवान के प्रचार करने के लिए जाने पर, बाधा विपत्ति आने पर भी शुद्ध भक्ति की प्रचार हमें करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर टीका में यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो जो भक्त लोग हैं, जो भक्त लोग हैं क्या चाहते हैं, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, हैं भक्त लोग ये चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जो माया में जो फंसे हुए जीव हैं, अगर एक जीव को समझा बुझा करके एक व्यक्ति को अगर भगवान के भजन में ले आओ, एक व्यक्ति को भजन में ले आओ, उसमें जो पुण्य मिलेगा, कोई व्यक्ति अगर हजार हजार हॉस्पिटल, हजार हजार स्कूल कॉलेज को अगर खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलने वाली, कहते अगर एक व्यक्ति को भजन में लगा दो ना, उससे करोड़ों ज्यादा पुण्य तुम्हें मिलेगा। इतने बड़े बात प्रभुपाद कहते हैं, इतने बड़ी बात प्रभुपाद। इसलिए क्या करनी चाहिए, निर्भीघ्न होकर के क्या करो, महाप्रभु का वाणियों को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करो। देखो किसने प्रचार किया तभी हम लोग ने आए, अगर कोई अगर प्रचार नहीं करते अभी हम लोग यहाँ पर आकर बैठते कभी यहाँ पर नहीं बैठते। हमारे गुरु वर्गों ने प्रचार किया है, इतने कष्ट सहन किया है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ बैठ करके भगवत चर्चा हरि कीर्तन हरि कथा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, प्रभुपाद किसको, प्रभुपाद घर में बैठने ही नहीं देते हैं, ले जाओ महाराज को साथ में, बड़े बड़े जैसे हमारे गुरु थे नेवी महाराज, सबको साथ भेज जाओ, सबके सब जाओ प्रचार करो, सब जाकर महाप्रभु की वाणी प्रचार करो, हैं प्रचार करके जगत में। देखो एक व्यक्ति मेरे को बोल रहे थे, कोई जगत में तो उल्टा पुल्टा धर्म प्रचार हो रहे हैं अक्सर करके, कितने जगह पर हमारे प्रभुपाद का धर्म, महाप्रभु का धर्म, इधर उधर देखो उल्टा पुल्टा, जितने सब अपसंप्रदाय उल्टा पुल्टा नाम और उल्टा पुल्टा सब प्रचार हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी सब दोष आप लोगों का है। किसका दोष है? बोले साधु लोगों का दोष है, हम लोगों को बताए। मैंने कहा भैया हमारे क्या दोष, बोले आप प्रचार नहीं करते हो ना, तभी तो उल्टा पुल्टा जगत में प्रचार हो रहे हैं। अगर आप अगर महापुरुष का शुद्ध वाणी को प्रचार करते, जगत में भर लोग वही सुनते ना, लोग भर वही सुनते है ना। अपना घंटा को इतने जोर से बजाओ, दूसरे घंटा सुनाई नहीं दे। इसलिए क्या करनी चाहिए, जी जान लगा कर प्रचार करनी चाहिए। इसलिए बंसी बदन प्रभु आप लोगों को सिखा रहे हैं ना, अभी जो तुम लोगों को सिखा रहे हैं, हरिकथा सिखा रहे हैं, श्लोक सिखा रहे हैं, देखो उन्होंने अपना समय को दे करके, अपना समय को उन्होंने दे करके तुम लोगों को पीछे की जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे महाराज भक्त नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा में थे, उन्होंने सबको श्लोक देते थे, खड़े करते थे, बुलाया करते थे, तभी तो किसने कोई सीख करके प्रचार किया है ना, जगत में प्रचार किया। इसलिए आप लोग भी जो सीख रहे हो क्या करना, क्या करना, जब प्रचार करोगे भक्ति की तभी हैं उनको पढ़ाना लिखाना तभी सार्थक होगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम ठान लो, एक दिन ऐसे प्रचार करेंगे महापुरुष का धर्म, पूरा पृथ्वी जैसे कृष्ण भक्ति में सराबर हो जाए, ठीक है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते ना अयम आत्मा बलहीन न लभ, देखो प्रचार करने के लिए भक्ति करने के लिए ना बल होनी चाहिए। जो मरे गरे व्यक्ति है ना वो भजन भी नहीं कर सकता, प्रचार भी नहीं कर सकता, मरे गरे व्यक्ति नहीं कर सकते। जो स्वयं कमजोर है स्वयं मन की कमजोर, क्या होगा नहीं होगा, अरे ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं होता है, हैं? चलो प्रचार करने के लिए जगत में बड़े हृदय को एकदम कठोर बनाना पड़ेगा, हैं? हृदय को एकदम ठोस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, बोले भैया था तेरे बाज्य स्मृति था ना, कृष्ण नामे प्रीति चढ़ उदासीन निर्दोष आनंदमय है। जब उनको हरिदास ठाकुर को ऐसे पिटाई, ऐसे उन्होंने पिटाई किया, तब वो मुल्लू कह रहा है, बोले देखो इनको पिटाई करो, 22,000 में इसको पिटाई करो। पिटाई करने के बाद अगर वो नहीं मरता है, कहते अगर वो व्यक्ति नहीं मरता है फिर तो क्या समझो,
ये सच है। अगर मर गया ना, अगर फेंक देगा मैंने उसको, उसको फिर फेंक देना। लेकिन जब उन्होंने उनको कोड़े मारने, 5-6 व्यक्ति हैं सिपाही जो कोड़े मार रहे थे, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। बल्कि जितने जोर जोर से मार रहे थे वो उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, और उतना जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, उतना जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे। यह शिक्षा क्या देते हैं? थोड़ी सी कोई विपत्ति आ जाए ना, बोले नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जितने विपत्ति आए उतना शरीर में जोश आनी चाहिए, उतना शरीर में हमारी ताकत आनी चाहिए, मन में जोश आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जब किसी तरह से मरा नहीं, कहते भैया अगर तू मरोगे नहीं ना, राजा तो विश्वास नहीं करेगा। एक व्यक्ति को 5-6 व्यक्ति पिटाई करे वो मरेगा नहीं, एक मिनट में, आधा मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा है। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, बोले अगर तू नहीं मरोगे ना, राजा तो विश्वास नहीं करेगा, हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। हरिदास ठाकुर बोले मेरे बच्चे से तुम्हें कष्ट होगा, बोले और क्या, राजा कभी विश्वास करेगा? बोले अगर तुम्हें कष्ट होता है भैया फिर तुम्हें प्राण छोड़ देता हूँ। हरिदास ठाकुर वहीं पर समाधिस्थ हो गए, पास वहीं पर बैठ करके अपना मन को भगवान में लगा दिया और पास गिर पड़े। जब गिर पड़े इतने में हरिदास ठाकुर को जो उठाने के लिए जा रहे थे ना, वो उठ नहीं रहे इसे हैं, क्योंकि भगवत चिंतन में समाधिस्थ हुए हैं। फिर उनको किसी तरह से उठा कर ले गए, लेकर के राजा के सामने रख दिया। बोले महाराज खत्म। राजा ने बोले मुसलमान होकर के हिंदू वाणियों को उच्चार किया, इसलिए पाप किया है, इसको कब्रगाह बन दिया करो, कब्रगाह देने से पर उसको स्वर्ग होगा है, कब्रगाह देने स्वर्ग होगा, इसलिए क्या करो इसको गंगा में फेंक दो है, गंगा में इसको फेंक दो। फिर उन्होंने लेकर गंगा में इसको जब फेंक दिया, लेकिन थोड़ी मरे थे, वो तो मरे ही नहीं, तो समाधि, वो तो समाधि में बैठे हुए थे। इसलिए हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं बोले अन्यथा गोविंद हेन रक्षक थाकिते कार शक्ति आचे हरिदास लंबिते हैं कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास मग्न हई आचे न बाज्य नाही प्रकाश। कहते हरिदास ठाकुर किस चीज में डूबे हुए थे? बोले कृष्णा नंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं हमें, कष्ट कब होता है? जब हम इसी शरीर में निवास करते हैं, जब भगवत अनुभूति नहीं हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कृष्णा नंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास। लेकिन हरिदास ठाकुर किस में डूबे हुए हैं? और साधारण चीज में डूबे हुए नहीं। देखिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमारी स्थिति ऐसे आ जाए ना भैया, सारा दुनिया अगर प्रलय हो जाए ना, फिर हमारे भी कुछ होने वाले नहीं। किस चीज में? बोले भगवान की जो अमृत रूपी जो सिंधु है, अगर उसमें अगर कोई मग्न हो जाए तो हैं, फिर तो सारा दुनिया हमारे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण प्रेम रस सिंधु में गोता लगाना पड़ेगा। जय जगन्नाथ महाप्रभु की, ताऊ भैया की, सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। हाँ, इसलिए से हरिदास ठाकुर को जब उन्होंने फेंक दिया कहाँ पर, लेकर के गंगा में, इतने में हरिदास ठाकुर जी क्या किए, बस दूसरे तरफ में लगे, फुलिया में है, फुलिया में लगे, और वहाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर हरिनाम करते करते दूसरे तरफ में आए, सारा दुनिया बोले भैया वो तो मर गया था, उसको तो हमने फेंक दिया था, पर जिंदा कैसे हो गए? सारा दुनिया बोले भैया ये हरिदास ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है? ये जिंदा पीर, ये जीवंत महापुरुष है। पर राजा भी मिलने के लिए उसको आए, माफी मांगा राजा उसके पास में, माफी मांगे मेरे अपराध हो गया आपका चरण में, माफ कर दो, आप सचमुच से जिंदा पीर जीवंत महापुरुष आप हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन हरिदास ठाकुर तो उनको अपराध लिया ही नहीं, अपराध तो उनको तो लिया ही नहीं, क्यों वैष्णव है? लेकिन ये कहते जो वैष्णव का जो चरण धूलि है ना वो नहीं छोड़ता है, वो चरण धूलि हमें नहीं छोड़ता है, क्योंकि उनका जो चरण धूलि अपराकृत दिव्य है। कहते जो व्यक्ति उनको पिटाई किया था सब खत्म,
पूरा परिवार के समेत सबके सब खत्म हो गए, कोई जिंदा नहीं रही, सबके सब खत्म हो गए। इसलिए बोले हंती निंदति वैदुष्टि वैष्णवा नाम जे अभिनिंदति क्रुद्ध ते जाति न हर्ष दर्शने पतनानी सट। कति जो छह व्यक्तियों का नष्ट ध्वंस हो जाते हैं, हंती जो बध करते हैं, निंदति जो निंदा वैष्णव करते हैं, वैष्णव नाम जे अभिनिंदते उनको जो आदर नहीं देते हैं, क्रुद्धते वैष्णव को देखकर जो क्रोध करता है, जाति न हर्ष देख करके भी जो प्रसन्न नहीं होते हैं, कहते दर्शन पतना निसट उनको देखकर जो खुश नहीं होता है, कहते छह व्यक्तियों का पतन होता है। इसलिए वंश समय दिन की नष्ट हो गए, सबके सब खत्म हो गए हैं, सबके सब इनकी खत्म हो गए। जब खत्म हो गए, जब फुलिया में आए, हरिदास ठाकुर जी क्या बोले, कहते हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान मेरे को थोड़ी सी दंत देकर छोड़ दी, क्यों, मैंने इन्हीं कानों में मैंने भगवान की निंदा सुनी है ना, ये कानों में भगवान का निंदा सुना, इसलिए भगवान हमें ज्यादा दंड नहीं, हमें केवल थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर छोड़ दी। इसी विषय पर प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते, बहुत अच्छी बात, प्रभुपाद बड़ी टीका, इसको पर बड़ी टीका प्रभुपाद ने क्या टीका लिखा हम सुनेंगे। वैष्णव का चरित्र कैसे होनी चाहिए और हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं। कल ये बात को सुनेंगे, प्रभुपाद का ऐसे विषय पर क्या विचार और हरिदास ठाकुर जी उन्होंने ऐसे क्यों बोले। बोले श्री हरिदास ठाकुर की, बोले सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 महाराज हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जगन्नाथ दर्शन करा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
महाराज की जय।
विलाप इस पर पुत्र सकल गुरु सुसल भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वाम संत उपाद की जय। महाभारत गुरु सुदास महाराज जी सत्य सत्य ठाकुर की जय। वैष्णव सारद माता सरस्वत महाराज की जय। कृपाल उग्रवर आचार्य प्रभु की जय। जय सनातन प्रवट उन्नाथ सुपाल भट्टा सुखा सरस्वत स्वामी प्रभु की जय। शिला नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। शुद्धांगर आरंगाद गौर कृपा सुंद की जय। प्रेम सको श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद सुखद वदादस श्री गौर भक्त नित्य गौर नाम 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 की जय। नाम सुंद रास दर्शन योग की जय। भक्त विघ्न विनाश कर नरसिंह देव पुत्र प्रहलाद महाराज की जय। श्री महाराज की जय। चरण धाम चरण सब प्रदा राजा जी की जय। श्री राधा कृष्ण गोविंद 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 द्वारा संत प्रसन्न नाम की राधा प्रसाद गुणा गंगा कृष्ण भक्त देव की जय। गौर महाराज की जय। पूरा वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पुरुषोत्तम नाम तेरे गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय पुजपाल भक्ति विदान दर्शन गुरु महाराज की जय। पुजपाल भक्ति विदान गुरुदान महाराज की जय। जय पुजपाल उत्तम कृष्ण प्रभु की जय। पुजपाल जगान प्रभु की जय। ज्ञान भक्त वृंद की जय। अंतर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।